Hello friends, I am Franika ma'am. Today we will discuss class 9th, chapter 1, economics, story of village Palampur. आप सबको पता होगा कि आपकी SST की बुक जो है 4 parts में divide है, history, civics, geography and economics. And economics is your 4th part. तो उसके लिए सबसे पहले आपको economics का meaning पता होना चाहिए कि what is economics? Economics is study of behavior of people about earning and spending of income. तो economics का क्या मतलब होता है कि एक normal इंसान कितना कमाता है और कितना खर्च करता है वो हम किस में पढ़ते हैं? Economics में पढ़ते हैं. तो अब आपको पता चला होगा कि economics के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक इंसान कितना कमाता है और कितना खर्च करता है. क्लास में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस और देना चाहती हूँ. आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक पढ़िएगा. उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको इस चैप्टर में क्या क्या ट्रिक्स हैं और कैसे इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि NCERT उन्हें कैसे पढ़नी है, और पेपर पूरा NCERT में से आता है. आपको किसी रेफरेंस गाइड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ NCERT से पढ़ना है. और अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे नोट्स भी आपको इस लिंक में मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर. तो दैट इज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 9 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. आप ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों लिया गया है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई चीज बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हाइपोथेटिकल विलेज मतलब इमेजिनरी विलेज. असली में ऐसा कोई विलेज नहीं है इंडिया में. ये एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि ये हमने बनाया है, रियल में ऐसा कोई विलेज नहीं है. क्योंकि इस विलेज में आपको हर तरह की फैसिलिटीज देखने को मिलेगी. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रॉपर है, प्रॉपर यहाँ पर स्कूल्स हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज है. और ये एक गाँव में मिलना आज के टाइम में भी इंडिया के बहुत मुश्किल है. तो दिस इज एन हाइपोथेटिकल विलेज. और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी उनकी क्या है? फार्मिंग, खेती बाड़ी करना. और यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ और भी काम करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कई किस लोग जो होते हैं गाँव में रह के डेयरी फार्मिंग मतलब दूध का बिजनेस भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट, पोल्ट्री फार्मिंग जो अपने यहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स बना के रखते हैं. नेक्स्ट छोटे मोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं दुकानदार. वैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहाँ पर लेबर से ज्यादा काम लिया जाता है और मशीनों पर कम निर्भर रहा जाता है, वो एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, आप लेबर से ज्यादा काम लेते हो या लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा करते हो, और दैट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड वर्क. क्लियर है? उसके बाद ये जो गांव है पालमपुर, ये असली में नहीं है, ये इमेजिनरी गांव है. इसलिए यहाँ पर हर तरह से ये वेल कनेक्टेड है. और किस किस से कनेक्टेड है? ये इस गांव के पास एक विलेज है, नियर बाय विलेज रायगंज. और उस रायगंज जो है ये इसका पालमपुर का नियर बाय विलेज है और एक वो बहुत बड़ा गांव है. ठीक है, नेक्स्ट इस विलेज में कितने लोग रहते हैं? 450 फैमिलीज रहती हैं. और इसी विलेज में दो प्राइमरी स्कूल भी हैं. प्राइमरी स्कूल मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का स्कूल. सेकेंड वन हाई स्कूल है. हाई स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास 12 तक का स्कूल. एंड एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जैसे जहां पर डिस्पेंसरी की आपको मेडिसिन मिल जाती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं. इवन यहां पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी बना रखा है इस गांव ने यहां के लोगों के इलाज के लिए. तो आपको पता चला कि इंडिया में तो ऐसा गांव पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे?
ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो इसका एम क्या होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन में जब हम काम करते हैं या फिर कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हम वो क्या सोच के प्रोड्यूस करते हैं कि लोगों को वो चीज मिले, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं वो ही प्रोडक्ट बनाना पसंद करूंगी जो मार्केट में जिसकी डिमांड है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हम लोग चाहते हैं प्रोड्यूसर उसी को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर मतलब जो उस चीज को बना रहा है, जो उस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, क्लियर है। तो हम वो ही गुड्स बनाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। और किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। अब इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल एंड लास्ट इज ह्यूमन कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स आपकी जरूर होनी चाहिए। लैंड, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आपको कोई फसल उगानी है तो उस वो फसल आप कहाँ उगाएंगे, जब तक आपके पास कोई लैंड ही नहीं होगी तो आप कैसे कोई क्रॉप ग्रो करेंगे। इवन अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरत होगी, दैट इज लैंड। सेकेंड आपको क्या जरूरत होगी, लेबर। थर्ड किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, फिजिकल कैपिटल। तो लैंड के अंदर क्या क्या आता है, मिनरल्स भी आते हैं, वाटर भी आते हैं। अब मिनरल्स में आपको पता होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं, एंड वाटर, ये भी लैंड का ही पार्ट है। नेक्स्ट लेबर, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है मैनुअल, जो पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, जिसे हर फील्ड की नॉलेज हो, इवन 10th क्लास वो पास हो या 12th क्लास वो पास हो, प्लस अनस्किल्ड लेबर, जिसने पढ़ाई भी नहीं कर रखी लेकिन उसे स्किल आता है, मतलब अनस्किल्ड मतलब जिसे उस चीज की नॉलेज, उस काम का करने का तरीका आता हो। तो लेबर दोनों तरीके की चलती है, मैनुअल हो या अनस्किल्ड हो। अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट इज योर फिजिकल कैपिटल। बिना फिजिकल कैपिटल के आप लेबर से काम नहीं ले सकते हो। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जब कोई चीज बनकर तैयार होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि मुझे एक केक बनाना है, सिंपल एग्जांपल ले लूं, आपको एक केक बनाना है। केक बनाने के लिए आपको डायरेक्ट तो केक बन नहीं जाएगा, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, मनी, पैसा एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में जो भी आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वीट है, क्रीम है, व्हाटएवर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग केक, तो वो सब चीजें आपको इसके अंदर चाहिए होंगी। और फिजिकल कैपिटल जो होता है वो दो तरीके का होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिसे उन चीजों को आप कुछ सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, इवन बिल्डिंग, लैंड, जिस लैंड पे आपका प्रोडक्शन होगा, आपको चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए। सेकंड आपको क्या चाहिए, जहां पर उस लैंड पे अकेले तो काम नहीं खड़े होने लग जाओगे क्योंकि आपको बिजनेसमैन हो, आप ऑनर हो, आप खुद तो काम नहीं करोगे, उसके लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी, लेबर। अब लेबर अपने हाथों से तो काम कर ही रही है लेकिन उन्हें टूल्स की भी तो जरूरत होगी, टूल्स मतलब औजार, तो वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। लेकिन फिजिकल कैपिटल में भी वो किसका पार्ट है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसके लिए एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज मनी, बिना पैसों के तो कुछ नहीं काम हो सकता, कोई चीज प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती। और रॉ मटेरियल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या कि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बोथ आर द पार्ट ऑफ द फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आर दोस थिंग विच कैन बी यूज फॉर मेनी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल टूल्स एंड मशीन्स, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। वर्किंग कैपिटल जो आप सिर्फ कुछ समय के लिए और इन हैंड यूज करते हो और यूज करते हो उसे।
फॉर एग्जाम्पल मनी और रॉ मटीरियल, यूज एंड थ्रो, यूज किया और खत्म हो गया वो. नेक्स्ट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंस इज ह्यूमन स्किल. विदाउट ब्रेन यू कांट डू एनीथिंग. ह्यूमन कैपिटल इज नथिंग बट यूर स्किल, यूर नॉलेज, यूर क्रिएटिविटी. आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, इवन एक आप एक जो मेरे हाथ में ये स्केल है, ये स्केल कहीं ना कहीं बना होगा, किसी फैक्ट्री में बना होगा, इसे किसी ने बनाया होगा. तो इसके लिए लैंड भी मिल गई, इसे बनाने के लिए लेबर भी मिल गई, इसे बनाने के लिए फिजिकल कैपिटल भी मिल गई. लेकिन इसका जो दिमाग लगाया कि मुझे स्केल का बिजनेस करना है, स्केल प्रोड्यूस करना है, तो वो जो इसका ऑनर है उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करा है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करा है. दैट इज नथिंग, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इज नथिंग बट यूर ब्रेन. हम आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप अपने देश में आगे जाके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनोगे. ह्यूमन कैपिटल कुछ नहीं है, वो आपका ब्रेन है. आप अभी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपके ब्रेन में एक चिप है. जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आप अपने देश का एक ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे और आगे जाके वो हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्योंकि आप ही में से कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे. और आप अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस करोगे, खुद अपनी क्रिएटिविटी निकालोगे. दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल ऑफ योर कंट्री. नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो दैट वी विल डिस्कस टुडे इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत होती है? दैट इज लैंड, लेबर. हियर के इज नथिंग बट कैपिटल. इकोनॉमिक्स में वी राइट के एज कैपिटल. And Y is nothing but income. This is economic symbol. Y is income and K is capital. Land, labor, capital and the entrepreneur. Entrepreneur matlab businessman ya owner of this production house. Thank you. Stay home. Stay safe. लेकिन आपको लास्ट में मैंने बोला था, स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगी इस चैप्टर की. अगर आपको इस चैप्टर में अच्छे नंबर लेने हैं या अच्छे से पढ़ना है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा. क्योंकि पेपर एनसीईआरटी में से आता है और इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं. चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, कहीं से भी हो, वो दोनों क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं. डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वट आर द फोर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड वट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू.